अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की रहमत का फजल के साथ आज व्लॉग करने शुरू। मुझे भूख लगी थी, शादियों के बाद का टाइम है तो थोड़ा सा चावल पड़े थे, मैं वो गर्म करके खा रहा हूँ। हाँ तो आपको गर्म करके खाने पड़ेंगे, और तो कोई नहीं गर्म करके देता खाना। तो आपको जो है ना, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही हो शहजादी? अच्छा तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं लेटी हुई थी, तो आप क्या करने लगी हो? बर्तन धोने लगी। ये सब आप भाइयों को बोलो ना, बर्तन भैया धो लें। नहीं मैं खुद धोऊंगी, मैं बड़ी हो गई। तो ये क्या काम करेंगे बड़े हो गए, तो ये खाने पे ही है बस। ये बस हांडी बनाएंगे, मैं बर्तन धोऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो सही, मेरी बेटी बोल रही है रोज़ अफ्तार की है, नमाज पढ़ी है मगरिब की, सर में दर्द हो रहा था। तो ये देखें मेरा कमल, मैं जैसे ही मुझे सर्दी भी लगने लग गई थी तो मैं लेटी हूँ, तो मेरी आँख लग गई, मैं सो गई हूँ। अभी मैं उठी हूँ सो के, तो अभी नमाज भी पढ़ूंगी। और जन्नत जो है ना, भैया ने उसको, हुसैन भैया ने उसको जो है ना पानी वगैरह डाल के दिया, वो कह रही है मैं बर्तन दूँगी बर्तन दूँगी, क्योंकि उनका बाबा बोलता है मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो बेटा आप कुछ ना कुछ काम करो। तो उसने बोला भैया अब मैं करूँगी बर्तन दूँगी, तो मैंने दिखाया तो है, अब मैं उसके जाऊँ, वो तो बच्ची है, कहाँ वो साबुन वगैरह लगा रही है, अच्छे तरीके से बर्तन धोऊंगी। कहते हम ठीक ठाक होंगे, आप लोग भी घर में ना किया है, और झाड़ू भी मैं ही लगाऊंगी। मैं भी झाड़ू मारूंगी, घर मैंने किया, झाड़ू तो मैं ही मारूंगी। हाँ जी चलो, आप ही मारोगी बेटा, आप ही, जब कचरा हो आप करती हो तो झाड़ू भी तो आपको लगाना पड़ेगा। डस्टबिन में भी डाला कचरा, सारा कचरा डस्टबिन में डालो, ये आप क्यों कचरा करती हो, सही सही करके लगाना झाड़ू, सारा कचरा उठा के बीच में डालो। पौधों को पानी दिए जी, ज़रा छत पे आए हुए हैं, तो अब जो है ना इनको भी ज़रा सेटिंग करके जाएंगे, इंशाल्लाह संभाल लेंगे, हमारे जो हैं बाबा वो संभाल लेंगे इन्हें इंशाल्लाह। खाली जो है ना मैं सेटिंग करके जाऊंगा, सेटिंग का मतलब ये है कि कुछ जो पौधे मैंने चेंज करने थे, जिस तरह अब ये मैंने कल भी दिखाया था आपको, ये कोई फली वाली जो है ना, ये निकाल लगाई थी, ये जैसे कद्दू की वो बेल नहीं होती, हाँ ये बेलें हैं, ये कोई फली है, पत कौन सी फली है सोनिया को पता होगा। फली हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होती है, वो गर्मियों में अभी आगे जब जैसे ये बड़ी होंगी इसके साथ लगेंगे, बहुत ही मज़े की होती है। अब मैं जो है ना इन्हें सेटिंग में करके धागे या कोई रस्सी बांधूंगा, उस पर ये चढ़ती रहेगी। उसके बाद ये पुदीना जो है ना, ये मैंने प्रोग्राम बनाया था किसी बड़े बर्तन में शिफ्ट करने का, ये शिफ्ट करना है, उसके अलावा और कोई छोटे मोटे। अब ये जो है ना, ये भी ये किसी बड़े बर्तन में, क्योंकि ये मैंने छोटी कलमें लगाई थी, ये सारी कलमें लग चुकी हैं, तो अब इनको बड़े बर्तन वो उसमें जो है ना किसी उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरह की सेटिंग में कर जाऊँगा तो बाकी जो है ना वो ख़ुद संभाल लेंगे, माशाल्लाह से वो ख़ुद भी जो है ना उनका इस काम में काफ़ी तजर्बा है। और ये देखें जी माल्टा भी माशाल्लाह से, मेरा इरादा ये भी था, इसको भी चाहिए एक बड़ी जगह चाहिए इसको बड़ा होने के लिए। मुझे जो हमारे भाई थे नर्सरी वाले, जब मैं पहली बार गया था ना, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक जो है ना पौधे की एक मेन बात ये है कि आप उसको जितनी बड़ी जगह नीचे देंगे वो पौधा उतना ही बड़ा होगा, यानी जितनी खुली जगह उसके पास होगी तो वो उतना ही बड़ा होगा। मेरे पास अब आप देख लें, अब बहुत ज़्यादा जो है ना ये बोरे छाते, क्योंकि ज़मीन है नहीं, अगर ज़मीन पे होते तो शायद इन पौधों का कद का अठाज कुछ और होता, काफ़ी हो जाते बढ़ जाते, ग्रोथ उनकी वो नहीं है ना, ज़मीन नहीं है ना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, उनकी ग्रोथ जो है ना बहुत ही प्यारी लग रही है, क्योंकि अब मौसम जो आ गया बाहर का, बाहर के मौसम में तो यही होता है। अच्छा ये मैंने बड़े अक्सर जो है ना ये घरों के बाहर दीवारों से साइड पे निकले हुए, मुझे बड़ा पसंद है ये पौधा, ये इसी तरह हमेशा जो है ना इसके साथ फूल लगे रहते हैं। ये शायद हमारे कराची वाले घर में भी था, इसी की एक नस्ल थी। तो बाकी ये कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इन फूलों की जिम्मेदारी ली है हमारे बाबा ने, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने पहले भी, मतलब क्योंकि पहले मुर्गियाँ थी, तोते थे, हाँ वो सारी जिम्मेदारी उनके पास थी, तो अभी भी उनको सब कुछ बताया है, तो उन्होंने सब कुछ, उन्होंने यही बोला है पानी तो, पानी तो यहाँ नीचे से पंप चलाना है, वहाँ पानी, हाँ पानी का मसला नहीं है, पानी लाइन का खुद आ जाता है, किसी
इसलिए इतना भी करना बहुत बड़ी बात है। तो उनको जैसे ही उन्होंने अपनी बात शेयर की है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ बेफिक्र होके। दूसरी बात ये घर का भी हमारा भाई खालिद भाई है पीछे, वो भी देखेंगे, बाबा भी देखेगा, घर का तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में ये भी बताऊँगा जी हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सारे मामलात वीडियो में ही आपको मिलेंगे। फिलहाल नीचे जाएँगे, गर्मी है, मैं ऊपर थोड़ा सा काम कर लूँ, सेटिंग कर लूँ, फिर मैं कुछ थोड़ा सा ऊपर काम करने आती हूँ तो वो मेरे पीछे भाग के आ जाती है, उसको देखो सही कर क्या रही है। बच्ची है कोई बात नहीं, नीचे जाएंगे इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे जी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल भी आपको बोला ये कुर्सियाँ और ये चटाई ले जाओ, दूध सब कुछ ले जाएंगे नीचे, तू बेफिक्र हो जा। अच्छा जी अभी हम लोग आपको बताएंगे मैं और सोनिया मिल के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले तो मैं कहता हूँ सोनिया को कि सोनिया ही बताए, बातचीत थोड़ी सी कर लें, उसके बाद जो है ना अफ्तारी की तैयारी भी करें क्योंकि अफ्तारी भी ज़रूरी है, अब रोज़ा रखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें कॉमेंट देखने को मिले हैं कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने बोला है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कुछ किसी मेरी बहन ने तो आइडिया अपना गेस्ट कर लिया, आइडिया भी लगा लिया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सही बात है मेरी प्यारी बहनों, कुछ मजबूरियाँ इंसान की ऐसी होती हैं कि हम लोग वीडियो में नहीं शेयर कर सकते, कि हम लोग अपनी सारी वो आप लोगों को डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ पे, तो ये नहीं बता सकते। तो वाकई ही मजबूरी है, जिस मजबूरी की वजह से जा रहे हैं, कोई नहीं चाहता अपना इतना प्यारा घर छोड़ के, इतना अच्छा हम लोगों ने ये घर बनाने में और अपने बहुत मेहनत की है बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह के फजल से मिला है सब कुछ। ये भी कॉमेंट मुझे मिल रहा है कि भाई किसी ने कॉमेंट कोई कौन है मुझे ये नहीं पता, बहन है कि भाई है, कि इनके नाम पे कहते हैं कि भाई आपको तो सब कुछ मिलेगा। वाकई ही हमें सब कुछ मिला है लेकिन हमें अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के जाना, ये सामान सारा मैं पैक करके जाऊंगी, आपको पता है नए घर में जाके जहाँ सेटिंग करनी घर बसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इतना ज़्यादा मुश्किल हमें वहाँ से यहाँ आने के लिए नहीं हुआ था, जब वापसी जाने के लिए हमें मुश्किल हो रही है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कसम से कहती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ मेरे बहन भाई इनके हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल जो है ना वो यहाँ पे ही है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा खुली हवा, कितनी प्यारी, ऊपर देखे हम लोगों ने पौधे को ग्रो, हमारे पौधे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा बगीचा बनाया हुआ है, दिल लग गया हमारा यहाँ पे। तो बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो इंसान जान नहीं बता सकता। सोनिया ने यहाँ तक बता दिया जी, अब मैं ये भी बता दूँ मैं टिकट ले आया हूँ और हम लोग वाकई कराची जा रहे हैं। तो बाकी मैंने ऑस्ट्रेलिया का वो एक मैंने उस दूसरे दिन आपको वीडियो में बता दिया था, मैंने मजाक किया था, तो सबकी तरह मैं भी जो है जो मेरे तबीयत है घर में, तो मैं इतना जिस तरह का शायद सीरियस नज़र आता हूँ मैं इस तरह का हूँ नहीं, तो मजाक टाइप की आदत है मुझे, तो अगर वो आप लोगों को किसी को बुरा लगा हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालाँकि मैंने लिखने के बाद ना मोजी बना दिए थे हंसने के, तो मेरा ख़्याल है कि मैं ये समझा था कि जो भी देखेगा वो ये समझ लेगा कि ये एक मजाक है, तो खैर कुछ लोगों ने तो समझ लिया और कुछ ने नहीं, तो अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जाना जी वो सोनिया ने बता दिया, हमारा बहुत ज़रूरी था, छुपाने का मकसद भी सिर्फ ये था कि हम कुछ लोगों से अपने क्योंकि सारे ही देखते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा वो नहीं करना चाहते थे कि हमारे जाने से पहले ही हमारे सब रिश्तेदारों को भी पता चल जाए, तो इसलिए एक डुका छुपा टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो इसीलिए नहीं बता रहे थे, बताना तो था ही था, आपसे क्या छुपा रह सकता है। वैसे भी छुपाने का ये मकसद है कि वहाँ जाते हैं आपको पता चल जाता है हम लोग कहाँ पे आए हैं, यानी ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही काम है। तो रमज़ान का महीना है, बस अभी टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है, कब जाना है कब निकलना है ये भी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, जैसे निकलेंगे हम लोगों को तो पता चलेगा। बोला दरवाज़ा खोल मेरे बच्चे आए, तो ये बहुत मुश्किल काम है जी, मैंने कल भी आपको बताया था ना कि हमारा वहाँ पे जो है अब कोई सेटअप नहीं है, वहाँ पे जाके मुझे हमें दोबारा सेटअप लगाना पड़ेगा, हमें ये भी पता नहीं है कि कितने दिन रहेंगे, ये भी कोई पता नहीं है। तो बाकी जो भी हुआ हमारे लिए दुआ करें, हम अल्लाह पाक हमारे इन मामले में आसानी फरमाए और हमारा जो भी मकसद है जायज़ मकसद है अल्लाह पाक हमें उसमें कामयाबी अता फरमाए। तो ये थी कि छोटी सी वो, तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो रमज़ान गुजारना हमारा मेन मकसद था और इत्मीनान से सुकून से, बाकी जो भी मुश्किलात हैं वो सब लोगों के साथ हैं, सिर्फ हमारे साथ तो नहीं, हमारे बहन भाई भी वहाँ रह रहे हैं उनके साथ भी ये मामलात मुश्किलात हैं। मुश्किलात तो हैं लेकिन वो बात तो है, लेकिन जब अपना घर आदमी छोड़ के यहाँ सब कुछ,
तो मुश्किल होगा, सबके लिए मुश्किल है वहाँ पे जो रहने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मियों में बिजली की और भी ज़्यादा परेशानी, पानी की सब कुछ होता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं है, ये इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती आई हैं, किसी जगह पे मिल जाती हैं किसी जगह पे नहीं मिलती, लेकिन और भी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानी होती हैं जो इंसान बैठ के वीडियो में नहीं शेयर कर सकता, ये वीडियो में नहीं बता सकता कि भाई हम किस वजह से जा रहे हैं, हमारे साथ ये मसला है, हमें ये हुए नहीं, बस मकसद ये था कि हम लोग जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें, ये दुआ करें। आप लोगों की दुआएं, काफ़ी लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे, तो आपके लिए तो उम्रे का भी काफ़ी लोगों ने रेस किया था कि हम उम्रे पे, अल्लाह पाक उन सब की ज़ुबान मुबारक करे जी, अगर वो होता तो मैं सबसे पहले छत पे चढ़ के आपको बताता भाई मैं जा रहा हूँ, शोर करके बताता कि अल्लाह ने हमें बुलाया तो, हाँ तो मैं सिर्फ बताता, बाकी वहाँ जाके हो सकता मैं किसी जगह खामोशी से कोई वीडियो आप लोग की ज़्यारत की वजह से शेयर कर देता, बाकी वहाँ पे जाके तो वहीं का ही आदमी है कि भाई अगर हमें अल्लाह ताला ने वहाँ अपने घर बुलाया, हमारे नसीब में हुआ, तो हम लोगों का ये है कि वहाँ जाके हम लोग ये व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, इंशाल्लाह वापसी आए जाते हुए ज़ियारत का कोई मामला ज़रूर वीडियो कोई ना कोई बना देंगे, ये तो चलें एक वो उसकी बात है, अल्लाह पाक खुशी खुशी से बता, अल्लाह पाक हमारे ये जायज़ मकासद पूरे करे। बाकी दूसरी बात ये कि जी कुछ कॉमेंट ये भी थे कि आप ये घर का मामला, ये घर संभालने वाले जी हमारे दो तीन भाई हैं, हमारे हमदर्द हमारे सगे भाइयों जैसे, तो वो ये संभालेंगे, छत का मामला भी हमारे वो भाई हैं बुज़ुर्ग हैं वो संभालेंगे, जो दूसरा मामला है बिलों शिलों का वो खालिद भाई जो है हमारे, आपने हमारे पुराने वीडियो में देखे हुए हैं, वो संभालेंगे, तो बाकी सामान कुछ ही लेके जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे हमारा गुजारा होगा, क्योंकि इतना सामान ना हम ले जा सकते हैं तो ना जाएगा यहाँ से, पूरा सामान के लिए बोला ट्रक ले के मुस्तकिल रहाइश हमारी समझ लें यहीं पर ही है, बस अब देखें कि कितना टाइम लगता है ये हमें भी नहीं पता। हाँ ये वो हमारे उस तक के काम तक है जो वो हो गया मुकम्मल हो गया, तो फिर हमारे नसीब में यहाँ था रिस्क, तो हम लोगों ने अभी हमें हमारे ये प्लान था कि हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग जो है ना शेयर की तरफ किसी जगह शिफ्टिंग करेंगे तो साथ साथ इनका कोई काम कारोबार का होगा, ये हम लोग अक्सर बताते रहते थे आप लोगों को, लेकिन ये नहीं पता था हमारे नसीब में आगे, लेकिन उससे जरूरी काम ये निकल आया, चले सो बातों की एक बात के बच्चों के लिए इंसान हमेशा कुर्बानियां देता है, तो अल्लाह पाक हमें भी कामयाबी अता फरमाए। चले जी फिर आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं, तो मैं करती हूँ थोड़ा सा जो है ना अफ्तारी की तैयारी, तो अगर हमारी वीडियो आज की आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमें अपने जिम्मे में रखे, हमें दीजिए इजाजत जी, अल्लाह हाफिज़ जी।